हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ केमलॉजी क्रैकर्स। मैं हूं ऐश्वर्या और मैं आज आपके लिए लाई हूं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की क्लास। मैं आप सब लोगों का वेलकम करती हूं और मैं होप कर रही हूं कि आप सब लोग ठीक है और आपका ख्याल रख रहे हैं। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, राइट? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के ऑलरेडी दो लेक्चर हम कर चुके हैं, जहां पे पूरी तरीके से हम माउथ को कंप्लीट कर लिए थे। माउथ के कौन से पार्ट्स है ना, माउथ के कौन कौन से आपके जो भी आपके टंग है, टीथ है, माउथ के अंदर जो ओरल कैविटी है उसके अंदर जो टीथ है, टंग है, उसको पूरी तरीके से बहुत अच्छे से डायग्रामेटिकली हम कंप्लीट कर लिए थे। तो आज के क्लास में हम क्या करेंगे, आज के क्लास में हम माउथ से ही जुड़ा हुआ एक चीज करेंगे, दैट इज द सलाइवरी ग्लैंड्स। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक कि मैंने आपको पहले दिन क्लास में बोला था कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हम दो चीज पढ़ेंगे, एक तो ऑर्गेन के बारे में, साथ में उस ऑर्गेन में क्या कौन सा ग्लैंड है उसके बारे में। तो चलो देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है सलाइवरी ग्लैंड्स। ग्लैंड का मतलब क्या होता है, ग्रंथि। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि ग्लैंड्स जो है ये दो टाइप के होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है और एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब वो ग्लैंड्स होते हैं जिनके पास डक्ट होता है ना, वो डक्ट के माध्यम से एक ऑर्गेन से दूसरे ऑर्गेन में सिक्रीशन पहुंचाते हैं, उसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। दूसरी तरीके का ग्लैंड होता है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड, जो क्या करता है, जो अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में डाल देता है और फिर ब्लड से वो उस ऑर्गेन में जाता है। तो आपको यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो सलाइवरी ग्लैंड है इट इज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्यों ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि इसके पास आपका डक्ट है, ठीक है। तो व्हाट आर सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स मतलब क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर दोस ग्लैंड्स व्हिच हैव डक्ट्स, ठीक है। ये अपने सिक्रीशन डक्ट के माध्यम से एक ऑर्गेन से दूसरे ऑर्गेन तक पहुंचाते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, इन ग्लैंड्स में डक्ट नहीं होता है, ये अपना सिक्रीशंस डायरेक्टली ब्लड में डालते हैं। तो आपका जो सलाइवरी ग्लैंड्स है दे आर ऑफ थ्री, ठीक है ना, तीन सलाइवरी ग्लैंड आपको देखने को मिलता है। तो हम लोग इसको एक एक करके लिखेंगे। ऊपर मैं थोड़ा इसीलिए जगह छोड़ रही हूं फॉर डायग्राम, ठीक है। पहला है पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड आपका कहां पे रहता है, यहां पे कान के नीचे, इट इज लोकेटेड बीनीथ ईयर, ठीक है। और ये जो आपका सलाइवरी ग्लैंड है ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये सलाइवा प्रोड्यूस करता है ना। और उस सलाइवा में कौन सा एंजाइम रहता है, उस सलाइवा में एंजाइम रहता है सलाइवरी अमाइलेज, जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करवाते हैं। चलो लिख लेते हैं, आपका जो पैरोटिड ग्लैंड है, ठीक है, आपका जो पैरोटिड ग्लैंड है इट इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, जो आपके ये आपका ईयर लोब है, ईयर लोब के नीचे रहता है, ठीक है। तो पहला है हमारा पैरोटिड ग्लैंड। The first digestive gland is our parotid gland. Parotid gland कहां पे रहता है, Parotid gland is the largest and ये कहां पे रहता है, It is located beneath ear lobe. ठीक है, ईयर लोब के नीचे आपका पैरोटिड ग्लैंड रहता है। इसके अलावा इसका डक्ट का नाम क्या होता है, यहां पे डक्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरोटिड ग्लैंड का जो डक्ट है इसको हम स्टेंसेंस डक्ट बोलते हैं, और ये आपके सेकेंड मोलर में जाके खुलता है, यानी कि अपर जॉ में, इट ओपन्स नियर सेकेंड मोलर, ठीक है। कौन सेकेंड मोलर में खोलते हैं, आपका स्टेंसन्स डक्ट, जो इसका डक्ट है दैट इज द स्टेंसन्स डक्ट, इट ओपन्स नियर सेकेंड मोलर। इसके अलावा आपका जो पैरोटिड ग्लैंड है ये कितना सलाइवा प्रोड्यूस करता है, 25% ऑफ सलाइवा प्रोडक्शन।
जितना सलाइवा है उससे आपका 25% प्रोडक्शन ये करता है, और ये क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस सलाइवरी एमाइलेज। इसका क्या काम होगा सलाइवरी एमाइलेज का, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करना, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा अमाइलेज और टैलिन, ठीक है, अल्फा अमाइलेज और टैलिन। तो आपका जो पैरोटिड ग्लैंड है इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड विच इज लोकेटेड बीनीथ द ईयर लोब, इसको आपका ईयर लोब बोलते हैं, जहां पे इयररिंग्स पहनते हैं ना लड़कियां, जहां पे होल होता है उसको ईयर लोब बोलते हैं। ईयर लोब के नीचे आपका क्या रहता है, पैरोटिड ग्लैंड। इसके डक्ट का नाम क्या है, स्टेंसन्स डक्ट। नेक्स्ट है सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है, नेक्स्ट है सबलिंगुअल ग्लैंड। अब आपका जो सबलिंगुअल ग्लैंड है, लिंगुअल मतलब क्या है, टंग, तो ये सबलिंगुअल ग्लैंड आपका कहां पे रहेगा, टंग के नीचे, यानी कि इट इज लोकेटेड बीनीथ टंग। तो आपका जो सबलिंगुअल ग्लैंड है इट इज द स्मॉलेस्ट, एंड सबलिंगुअल ग्लैंड कहां पे रहता है, लोकेटेड बीनीथ टंग, ठीक है, कहां पे रहता है, लोकेटेड बीनीथ टंग। इसके डक्ट का नाम क्या है, इसके डक्ट का नाम है डक्ट ऑफ रिविनस, जो जाके आपके टंग के नीचे ही खुलता है, सो ओपन्स नियर टंग, ठीक है, कौन टंग के पास खुलता है, बीनीथ लिख देती हूं, सॉरी, ओपन्स बीनीथ टंग, कौन है ये, डक्ट ऑफ रिविनस। अब ग्लैंड टंग के नीचे ही सिचुएटेड है, सिक्रीशन भी टंग के नीचे जा रहा है, तो इसका जो डक्ट है इट इज द शॉर्टेस्ट डक्ट, ठीक है, और ये कितना सलाइवा प्रोड्यूस करता है, 5% ऑफ सलाइवा। टोटल सलाइवा में से आपका 5% सलाइवा कौन प्रोड्यूस करता है, सबलिंगुअल ग्लैंड। और ये क्या क्या, जैसे ये सलाइवरी अमाइलेज प्रोड्यूस कर रहा था, ये क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस सम, ठीक है, सम अल्फा अमाइलेज एंड म्यूकस, ठीक है, म्यूकस के साथ साथ ये थोड़ा बहुत अल्फा अमाइलेज भी प्रोड्यूस करता है। तो पैरोटिड ग्लैंड हो गया पहला वाला, सबलिंगुअल ग्लैंड हो गया, अब तीसरा वाला है आपका सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड। क्या है, सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड, व्हाट इज सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड और सब एक्सिलरी ग्लैंड, क्या होता है ये सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड। आपका जो सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड है ये कहां पे खुलता है, जहां पे आपके दो जॉ एक एंगल बनाते हैं। अगर आप इस जॉ को देखें, एक जगह से दोनों जुड़े हुए हैं ना, इस साइड से भी और इस साइड से भी, तो आपका जो सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड है इट इज प्रेजेंट वेयर बोथ जॉज मीट, उस एंगल में प्रेजेंट है, ब्रैकेट में मैं लिख रही हूं एंगल, वेर इट इज प्रेजेंट एट अ एंगल वेर बोथ ऑफ द जॉज मीट, और ये कहां पे खुलता है, इट ओपन्स नियर लोअर इंसिजर, यानी कि इसका जो डक्ट है ये कहां पे खुलता है, ये जाके खुलता है आपके लोअर इंसिजर्स में, और इसका डक्ट का नाम क्या है, वॉर्टन्स डक्ट, ठीक है, एंड इट इज द लार्जेस्ट डक्ट, ठीक है, और ये कितना सलाइवा प्रोड्यूस करता है, 70% ऑफ सलाइवा इज प्रोड्यूस्ड बाय सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड, एंड इट हैज द लॉन्गेस्ट डक्ट विच इज द वॉर्टन्स डक्ट, इट इज द लार्जेस्ट सलाइवा प्रोड्यूसर। आप इस थ्योरी को अच्छे से देखिए कि पैरोटिड ग्लैंड है, सबलिंगुअल ग्लैंड है, सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड है, ये सब लोग आपके सलाइवा प्रोड्यूस कर रहे हैं। प्लीज टेक अ लुक वंस। चलो, आई होप सब लोग देख लिए हो कि पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड और सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड क्या है। एक्चुअली पहले है ना, इस सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड को हम सब मैक्सिलरी ग्लैंड भी बोलते थे, ठीक है, क्या बोलते थे, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, उसके बाद इसका नाम सब मैंडिब्यूलर हो गया। तो ये कहां पे प्रेजेंट है, आपके लोअर जॉ के नीचे के साइड में प्रेजेंट है, एट एन एंगल वेयर बोथ द जॉज मीट,
ठीक है, एंगल ऑफ जॉ में मौजूद है। अब हम इसको एक डायग्रामेटिकली देखने वाले हैं, ठीक है। डायग्राम में इधर बना रही हूं छोटा सा बस डायग्राम, ठीक है। ये आपका माउथ हो गया, ठीक है। यहां पे मान लीजिए आपका कान है और ये आपका माउथ है, यानी कि ओरल कैविटी है, ठीक है। तो आपका जो पैरेटिड ग्लैंड है ना, आपका जो पैरेटिड ग्लैंड है ये यहां कहीं पे मौजूद है, ठीक है ना, ईयर लोब के पास यहां कहीं मौजूद है आपका पैरेटिड ग्लैंड। और आपका पैरेटिड ग्लैंड जाके कहां पे खुलता है, सेकेंड मोलर के पास, ठीक है ना, सेकेंड मोलर के पास जाके खुलता है। तो ये आपका पैरेटिड ग्लैंड हो गया, साथ में उसका डक्ट हो गया। नेक्स्ट है आपका सब लिंगुअल ग्लैंड। सब लिंगुअल ग्लैंड आपका कहां पे प्रेजेंट होता है, यहां पे टंग के नीचे। और मान लीजिए ये आपका ग्लैंड है ये, और ये उसका डक्ट है, डक्ट ऑफ रिविनस, जो टंग के नीचे ही खुलता है, ये ग्लैंड है उसका, ठीक है। दिस इज द ग्लैंड एंड दिस इज द डक्ट। नेक्स्ट आपका डक्ट कौन सा है, सबमैक्सिलरी का डक्ट कौन सा है, वॉर्टन्स डक्ट। लेकिन ये सबमैक्सिलरी ग्लैंड कहां पे प्रेजेंट है, यहां पे, ठीक है। और ये कहां पे खुलता है जाके, आपका लोअर इंसिजर्स में, है ना, जो आपका यहां पे मैंने लिखा था ना, लोअर इंसिजर्स में जाके खुलता है। तो मान लो यहां कहीं पे जाके खुला है ये आपका कौन सा डक्ट है, ये आपका सब एक्सिलरी और सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड है। तो आपका पैरोटिड ग्लैंड कहां पे प्रेजेंट है, दिस इज योर पैरोटिड ग्लैंड, वेयर इज इट लोकेटेड, इट इज लोकेटेड नियर द ईयर लोब, ठीक है। इसका डक्ट का नाम क्या है, इसका डक्ट का नाम है स्टेंसन्स डक्ट, ठीक है। ये आपका क्या है, दिस इज योर जॉ के पास है, तो इसको हम सब मैंडिब्यूलर बोलेंगे, सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड, ठीक है। ये उसका कौन सा डक्ट है, सबसे लंबा डक्ट है, दैट इज द वॉर्टन्स डक्ट, है ना। ये क्या है आपका, दिस इज योर सबलिंगुअल ग्लैंड, है ना। ये कौन सा डक्ट है आपका, डक्ट ऑफ रिविनस, ठीक है। तो आपके ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स है, ये मेनली आपका क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये मेनली आपका प्रोड्यूस कर रहे हैं सलाइवा। व्हाट इज दिस प्रोड्यूसिंग, इट इज प्रोड्यूसिंग सलाइवा। आई होप आपको डायग्राम क्लियर है। तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मेन सिक्रीशन क्या है, व्हाट इज द मेन सिक्रीशन, इट्स मेन सिक्रीशन इज सलाइवा। आपका जो सलाइवरी ग्लैंड है ये सलाइवा प्रोड्यूस कर रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका पीएच कितना है, इसका पीएच है 6.8, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये सलाइवा बनता किस किस से है, इस सलाइवा में क्या क्या रहता है, इस सलाइवा में रहता है आपका पहले तो 99% वॉटर, क्या रहता है 99% वाटर, और बाकी आपका इलेक्ट्रोलाइट्स रहता है। कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम क्लोराइड बाइकार्बोनेट पोटेशियम, और क्या क्या रहता है इलेक्ट्रोलाइट्स, कौन कौन सा, सोडियम पोटेशियम बाइकार्बोनेट और क्लोराइड, ये आपके इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं। साथ ही साथ में इसमें आपका एक एंजाइम भी रहता है, अल्फा एमाइलेज और सलाइवरी एमाइलेज। इसमें रहता है आपका म्यूकस, इसमें रहता है लाइसोजाइम, और इसमें रहता है आपका थायोसायनेट आयंस। तो ये आपके सलाइवा का कंपोजिशन है, कि आपका सलाइवा ये सब चीजों से बना होता है, राइट। अब हम सबके फंक्शन देखेंगे। ये जो आपका थायोसायनेट आयंस है, ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया को किल करता है, किल्स बैक्टीरिया। लाइसोजाइम क्या होता है, लाइसोजाइम इज ऑल्सो एंटीमाइक्रोबियल, ठीक है ना, लाइसोजाइम इज ऑल्सो एंटीमाइक्रोबियल। थायोसायनेट आयंस एंटीबैक्टीरियल है, लाइसोजाइम भी आपका क्या है, एंटीमाइक्रोबियल। अब जो म्यूकस है ना, अब जो म्यूकस है इसके अंदर एक प्रोटीन रहता है म्यूसिन, ये भी क्या करता है, प्रोटेक्शन यानी कि डिफेंस।
आपका जो म्यूकस है ये भी प्रोटेक्शन करता है, लाइसोजाइम भी करता है, थायोसायनेट आयंस भी करता है. थायोसायनेट आपका बैक्टीरिया को किल करता है, लाइसोजाइम एंटीमाइक्रोबियल होता है. आप कोई अगर रोता है ना, कोई अगर रोता है उसके आंख से जब आंसू आते हैं ना, उसके आंसू में भी लाइसोजाइम रहता है. इसीलिए कभी कभी लोग क्या बोलते हैं कि रोने से आंख साफ होता है, करेक्ट. तो लाइसोजाइम म्यूकस जो जिसमें क्या है, म्यूसिन क्या है, यहां मैं लिख दे रही हूं, म्यूसिन जो है जो म्यूकस में रहता है, इट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन. सो आई होप सबको सलाइवरी ग्लैंड्स अच्छे से समझ में आया. वॉर्टन्स डक्ट इज द लार्जेस्ट डक्ट. वॉर्टन्स डक्ट कहां खुलता है, लोअर इंसिजर में. सबलिंगुअल ग्लैंड डक्ट ऑफ रिविनस कहां खुलता है, ओपन्स बीनीथ टंग. पैरोटिड ग्लैंड स्टेंसन्स डक्ट कहां पे खुलता है, ओपन्स नियर सेकेंड मोलर. ये सारे आपके क्वेश्चन है, ये सारे आपके नीट के क्वेश्चन है. आई होप आप सबको सलाइवरी ग्लैंड समझ में आया है. अगर आपको सलाइवरी ग्लैंड समझ में आया है तो हम नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं. चलो नेक्स्ट पार्ट में हम इसका मूव करते हैं, ठीक है, जो कि है आपका फेरिंग्स. ठीक है, आपका माउथ हो गया, अब हम स्टडी करेंगे फेरिंग्स के बारे में. फेरिंग्स में हम काफी डिटेल में आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में स्टडी किए थे, एज टू व्हाट इज आपका, व्हाट इज नेसोफेरिंग्स, व्हाट इज ओरोफेरिंग्स, व्हाट इज लेरिंजियोफेरिंग्स, ये सब हमने स्टडी किया है. अब क्योंकि हम जानते हैं कि फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, कौन सा फेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, तो हम फेरिंग्स को भी एक बार देख लेंगे. तो फेरिंग्स जो है इसके कितने पार्ट होते हैं, ये तो आप मेरे को अभी भी बता सकते हो, है ना. सो माउथ के बाद जो हमारे पास जो सेकेंड ऑर्गन आता है, दैट इज द फेरिंग्स. फेरिंग्स यानी कि आपका थ्रोट. सो नाउ आवर टॉपिक इज फेरिंग्स. फेरिंग्स यानी कि थ्रोट, ठीक है. अब आपका जो फेरिंग्स है, हमें पता है कि इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, ठीक है. पहला वाला है आपका नेसोफेरिंग्स, है ना. सेकेंड वाला है आपका ओरोफेरिंग्स. थर्ड वाला है आपका लेरिंजियोफेरिंग्स, ठीक है. ओरोफेरिंग्स, नेसोफेरिंग्स और लेरिंजियोफेरिंग्स. आपका जो नेसोफेरिंग्स है ये किधर रहता है, नेसोफेरिंग्स आपके नेजल कैविटी के पास रहता है, सॉफ्ट पैलेट के ऊपर. ये चीज मैंने मेंशन कर दिया था, नेसोफेरिंग्स कहां रहता है, लाइज बिहाइंड नेजल कैविटी. आपके नेजल कैविटी के पीछे कौन रहता है, नेसोफेरिंग्स, अबव सॉफ्ट पैलेट. अब कभी कभी जब सर्दी होता है, आपको आंख बंद, मतलब कान आपका बंद रहता है, लगता है कि कान बंद है, क्यों, क्योंकि आपका जो यूस्टेशियन ट्यूब है, एक ट्यूब रहता है जो नेसोफेरिंग्स को मिडिल ईयर से कनेक्ट करता है. तो हम क्या लिखेंगे, द यूस्टेशियन ट्यूब कनेक्ट्स नेसोफेरिंग्स विथ मिडिल ईयर. नेसोफेरिंग से मिडिल ईयर के साथ जो कनेक्शन है ये कौन एस्टेब्लिश करता है, ये करता है आपका यूस्टेशियन ट्यूब. अब ओरोफेरिंग्स क्या है, ओरोफेरिंग्स इज द पार्ट दैट लाइज बिहाइंड ओरल कैविटी. ओरोफेरिंग्स इज द पार्ट दैट लाइज बिहाइंड ओरल कैविटी. एंड यही ओरोफेरिंग्स जो है ये क्या है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ठीक है. इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर. नेक्स्ट है आपका लेरिंजियोफेरिंग्स. लेरिंजियोफेरिंग्स कहां पे रहता है, इट इज द इंफीरियर पार्ट ऑफ फेरिंग्स, यानी कि फेरिंग्स का सबसे अंदर वाला पोर्शन आपका क्या है, लेरिंजियोफेरिंग्स. इट इज द इंफीरियर पोर्शन ऑफ फेरिंग्स. अब ये लेरिंजियोफेरिंग्स जो है ये कहां पे रहता है, ओपनिंग टूवर्ड्स
ईसोफेगस, जहां पे ओपनिंग रहता है आपके ईसोफेगस का, वहां पे आपका ये लेरिंजियोफैरिंग्स जो है ये चीज प्रेजेंट है. सो ओरोफैरिंग्स, नेसोफैरिंग्स एंड लेरिंजियोफैरिंग्स, ये तीनों के बारे में हम अच्छे से सीख लिए. आप लोग एक बार फैरिंग्स के तीन पार्ट्स को देख लीजिए और रिवाइज कर लीजिए. अब हम एक और स्ट्रक्चर यहां पे पढ़ने वाले हैं, दैट इज वॉल्डियर रिंग. क्या पढ़ने वाले हैं हम? वॉल्डियर्स रिंग. अब ये वॉल्डियर रिंग क्या होता है? व्हाट इज वॉल्डियर रिंग? क्या होता है? हमारा जो ओरल कैविटी है और हमारा जो फैरिंग्स है, ठीक है, जो हमारा ओरल कैविटी है और हमारा जो फैरिंग्स है, इसमें कुछ कुछ लिम्फैटिक टिश्यूज रहते हैं, उसको हम वॉल्डियर्स रिंग बोलते हैं. हमारा टॉपिक है वॉल्डियर्स रिंग. व्हाट इज वॉल्डियर्स रिंग? द लिम्फैटिक टिश्यूज ऑफ ओरल कैविटी एंड फैरिंग्स आर अरेंज्ड इन अ रिंग लाइक मैनर, एक रिंग जैसे स्ट्रक्चर में. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? द लिम्फैटिक टिश्यूज ऑफ क्या क्या? द लिम्फैटिक टिश्यूज ऑफ oral cavity and pharynx are arranged in a ring-like manner. एक ring-like manner में arranged है, जिसको हम क्या बोलते हैं? Waldeyer's ring. ठीक है, ये कैसा दिखता है? चलो इसका diagram बना लेते हैं हम. ठीक है, अब हम लोग बना रहे हैं उस लिम्फैटिक टिश्यूज का अरेंजमेंट कि वो किस तरीके से प्रेजेंट है. ठीक है, यहां पे इस टाइप है. चलो, अब ये जो चारों मैंने यहां पे चार स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं, ये आपके वॉल्डियर्स रिंग के स्ट्रक्चर है. पहला वाला जो है ये है आपका फेराइंजियल टॉन्सिल. ये क्या है आपका? फेराइंजियल टॉन्सिल. ठीक है, जो आपका नेसोफैरिंग्स के पास प्रेजेंट है. लास्ट वाला जो है ये है आपका लिंगुअल टॉन्सिल. ठीक है, ये वाला आपका है पैलेंटाइन टॉन्सिल. ठीक है, और ये वाला जो है ये है आपका ट्यूबल टॉन्सिल. तो चलो, ये जो आपका फेराइंजियल टॉन्सिल है ये कहां पे रहता है? फेराइंजियल टॉन्सिल इज प्रेजेंट नियर नेसोफैरिंग्स. क्या रहता है? फेराइंजियल टॉन्सिल आपके नेसोफेरिंग्स के पास रहता है. और ये जो आपका फेराइंजियल टॉन्सिल है, इसका जो स्वेलिंग होता है, इट कॉजेज एडीनोइड्स इन चाइल्ड. चिल्ड्रन में ये फेराइंजियल टॉन्सिल जो है, इसके इन्फेक्शन को हम एडेनॉइड्स बोलते हैं. आपका जो फेराइंजियल टॉन्सिल है, इट इज प्रेजेंट नियर नेसोफेरिंग्स एंड इट कॉजेज एडेनॉइड्स इन चिल्ड्रन. ट्यूबल टॉन्सिल कहां पे रहता है? ट्यूबल टॉन्सिल इज प्रेजेंट नियर यूस्टेशियन ट्यूब. आपका जो यूस्टेशियन ट्यूब है, उधर आपका क्या प्रेजेंट रहता है? ट्यूबल टॉन्सिल. ठीक है, पैलेंटाइन टॉन्सिल कहां पे रहता है? पैलेंटाइन टॉन्सिल आपके उव्यूला के अराउंड रहता है. और इसी पैलेंटाइन टॉन्सिल के स्वेलिंग से क्या होता है? टॉन्सिलाइटिस, जो कि बहुत कॉमन होता है ना? पैलेंटाइन टॉन्सिल. लिंगुअल टॉन्सिल कहां पे रहता है? पोस्टीरियर फेराइंजियल पार्ट ऑफ टंग. याद है कल उस दिन मैंने आपको बताया था
हाँ, क्या बताया था मैंने उस दिन आपको कि आपका टंग के पोस्टीरियर पार्ट में, जिस पार्ट को हम नहीं देख पाते हैं, उसमें कुछ लिम्फोइड टिश्यू है। क्या प्रेजेंट है? लिंगुअल टॉन्सिल। कहां पे प्रेजेंट है? प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर फेराइंजियल पार्ट ऑफ टंग। ठीक है, पोस्टीरियर फेराइंजियल पार्ट ऑफ टंग में आपका लिंगुअल टॉन्सिल रहता है। तो अब आप इसको इमेजिन करिए, टंग के पीछे एक है, ठीक है, इमेजिन करो टंग के पीछे एक है, एक यूस्टेशियन ट्यूब के पास है, एक उव्यूला के ऊपर है और एक तुम्हारा नेसोफेरिंग्स के पास है। अगर तुम इस तरीके से देखोगे, मान लो एक तुम्हारा नेसोफेरिंग्स के पास है, एक उव्यूला के पास है, ठीक है, एक नेसोफेरिंग्स के पास है, एक यूस्टेशियन ट्यूब के पास है, एक उव्यूला के पास है, तो ये इस तरीके का एक गोल सा स्ट्रक्चर बना रहा है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, जिसको हम वॉल्डियर्स रिंग बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम वॉल्डियर्स रिंग बोलते हैं। सबको समझ में आया है यहां तक? क्लियर है यहां तक? एक बार सब लोग देख लो, उसके बाद मैं नेसोपैलेंटाइन डक्ट यानी कि जेकबसन्स ऑर्गन्स पढ़ाऊंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोगों का जो टॉपिक है दैट इज नेसोपैलेंटाइन डक्ट एंड जेकबसन्स ऑर्गन्स। क्या है ये? नेसोपैलेंटाइन डक्ट एंड जेकबसन्स ऑर्गन्स। क्या है ये नेसोपैलेंटाइन डक्ट या फिर जेकबसन्स ऑर्गन्स? क्या है? सब लोगों को याद है हार्ट पैलेट। ये हार्ट पैलेट क्या होता है? ये ऊपर वाले दांत के जो पीछे का पार्ट, जहां पे रफ रफ आपके रगे प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द हार्ड पैलेट। तो कभी कभी क्या होता है, सम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, सम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट ऑन द हार्ड पैलेट। कभी कभी आपके हार्ड पैलेट में कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं नेसोपैलेंटाइन डक्ट। क्या बोलते हैं? नेसोपैलेंटाइन डक्ट। कभी कभी आपके किसके ऊपर? हार्ड पैलेट के ऊपर कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? नेसोपैलेंटाइन डक्ट। अब इन नेसोपैलेंटाइन डक्ट के पास देर आर सम स्पेशलाइज्ड ऑल्फैक्ट्री रीजियंस। ऑल्फैक्ट्री मतलब सेंस ऑफ स्मेल, प्रेजेंट ऑन नेसोपैलेंटाइन डक्ट। तो आपका जो नेसोपैलेंटाइन डक्ट है, उसके ऊपर कुछ स्पेशलाइज्ड ऑल्फैक्ट्री ऑर्गन्स प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं जेकबसन्स ऑर्गन। जिसको हम क्या बोलते हैं? जेकबसन्स ऑर्गन। क्या बोलते हैं हम? जेकबसन्स ऑर्गन्स। जेकबसन्स ऑर्गन्स क्या होता है? देर आर सम स्पेशल ऑल्फैक्ट्री रीजियंस जो हार्ड पैलेट के नेसोपैलेंटाइन डक्ट के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये जेसुक जेकबसन्स ऑर्गन्स बोलो, नेसोपैलेंटाइन डक्ट बोलो, बहुत सारे ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वेल डेवलप्ड होते हैं स्नेक्स में, ठीक है, स्फेनोडॉन में, रैबिट्स में और लिजर्ड्स में, ठीक है। तो आपका नेसोपैलेंटाइन डक्ट क्या होता है? आपके हार्ड पैलेट के ऊपर है ना, आपके हार्ड पैलेट के ऊपर कुछ स्पेशलाइज्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नेसोपैलेंटाइन डक्ट, ठीक है। ये नेसोपैलेंटाइन डक्ट के ऊपर कुछ ऑल्फैक्ट्री रीजियंस रहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? जेकबसन ऑर्गन। क्लियर? ओके, अब ये वॉल्डियर रिंग सबको क्लियर है? वॉल्डियर रिंग क्या होता है? लिम्फैटिक टिश्यूज यानी कि
जो आपका WBC का प्रोडक्शन करता है। लिम्फैटिक टिश्यूज ऐसे टिश्यू होते हैं जो आपके WBC का प्रोडक्शन करता है और जो डिफेंस देता है, ठीक है। आर ऑफ कहां पे? ओरल कैविटी और फैरिंग्स। तो ये जो हमने वॉल्डियर्स रिंग बनाया है ये किसका है? ओरल कैविटी और फैरिंग्स का। ऊपर वाला फेराइंजियल टॉन्सिल है जो नेसोफैरिंग्स के पास रहता है। अगर ये स्वेल हो जाए, इसका इन्फेक्शन चिल्ड्रन में होता है, एडिनॉइड्स बोलते हैं। ट्यूबल टॉन्सिल आपके यूस्टेशियन ट्यूब के पास प्रेजेंट होता है। पैलेंटाइन टॉन्सिल आपका ओव्यूला के पास होता है जो टॉन्सिलाइटिस करता है। लिंगुअल टॉन्सिल आपका फेराइंजियल पार्ट ऑफ टंग में प्रेजेंट होता है। टंग का जो पीछे वाला हिस्सा है ना, ऐसे देखे थे, ये टंग है, इसका जो पीछे वाला हिस्सा है इस तरीके से, यहाँ पे हम देखे थे ना लिम्फोइड टिश्यू, कल मैं बताई थी ना। ओके, सो आज हम लोग यहां तक करेंगे, नेक्स्ट क्लास से हम ईसोफेगस स्टमक स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड प्लीज हिट द लाइक बटन। ऑल्सो आप लोग बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास अगर मैं जब आऊं, जब लिंक मिले आपको, तो आपको एकदम बढ़िया से नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। आज हम लोग यहां तक करते हैं, चलो बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर एंड स्टडी हार्ड, सी यू अगेन, बाय।